नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चुनाव जैसे ही आते हैं, राजनेता क्षेत्रों में दौरा करने लगते हैं, उनकी चहलकदमी बढ़ जाती है और बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाएं आम हो जाती है कि सीटों का समीकरण क्या है, उस सीट पर कौन से जाति ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं। इन तमाम चीज़ों का दावा और जिक्र किया जाने लगता है, लेकिन एक बार फिर से बिहार में परिस्थितियाँ दोहराई जाने लगी हैं। दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब से साथ आए हैं, चुनाव का समीकरण बदला है। इसी बीच छात्र संघ के चुनाव भी हो रहे हैं, तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में राजद विधायकों को छात्रों ने खदेड़ दिया है। दरअसल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो पटना विश्वविद्यालय की है, जहाँ पे चुनाव प्रचार करने पहुँचे थे मखदुमपुर के विधायक सतीश दास, और जैसे ही वो चुनाव प्रचार में पहुंचे, छात्रों ने उन्हें खदेड़ दिया, उल्टे पांव विधायक जी भागे हैं। ये तस्वीर हम आपको छात्र संघ चुनाव की बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जिन तस्वीरों के जरिए स्पष्ट हो रहा है कि छात्र संघ चुनाव में भी किस तरीके से दलगत आधारित राजनीति होती है। हालांकि युवा नौजवान इसमें ज़्यादातर भाग लेते हैं, लेकिन जैसे विधायक और नेता इस छात्र संघ के चुनाव में पड़ते हैं, उस छात्र संघ का चुनाव एक अलग ही मोड़ लेने लगता है। तो ऐसे में इस छात्र संघ के चुनाव में सतीश दास चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, जहां छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। छात्रों की ये मांग है कि बिहार में शिक्षा की जो लचर व्यवस्था है वो इन्हीं लोगों ने बिगाड़ कर रखी है। सरकारें सही तरीके से शिक्षा को कंट्रोल और शिक्षा से जुड़ी हुई संस्थानों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, और यही वो वजह है कि जो शिक्षा का स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। और इसी बीच छात्रों के गुस्सा कहीं ना कहीं मखदुमपुर से जो विधायक हैं उनको देखकर उनका गुस्सा उग्र हो गया, और उसके बाद उन लोगों ने विधायक जी को खदेड़ दिया है। साफ तौर पे समझे तो छात्र संघ चुनाव को लेकर पिछली बार जो हंगामा हुआ था, या उसके पहले अगर बात की जाए तो किस तरीके से प्रशांत किशोर वाले मामले को लेकर लगातार चर्चा में रहे। प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार करने गए थे, और रात के अंधेरे में कैसे जदयू के जो अभी युवा अध्यक्ष है दिव्यांशु भारद्वाज सहित कई जो लड़के थे उन पर पत्थरबाजी हुई, कई तरह की बातें निकलकर सामने आई थी, और एक बार फिर से वही चीज़ें दोहराई गई हैं। इस बार विधायक जी छात्रों के निशाने पर रहे हैं, और कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर जो चर्चाएँ होती है, अब उन्हीं चर्चाओं में ये चीज़ें आम हो चुकी है कि बिहार की सियासत में छात्र संघ चुनाव भी अगर दलगत आधारित हो रहा है तो उसमें राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं छात्रों को रास नहीं आ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।